आधे आके हाँ आधे आके। बहुत बड़ा ट्रेजेडी और बहुत गंदा सा एक्सपीरियंस हुआ है यहाँ से थोड़ा हेलो दोस्तों, वेलकम टू फूड ट्रेली, फूड ट्रैवल लाइफस्टाइल। और आज रिकॉर्ड हो रहा है हमारे जो ठीक होने के बाद डीजे कैमरा के साथ। और आज है वीकेंड संडे और हम जा रहे हैं ट्रैवल घूमने के लिए। और कहाँ जा रहे हैं वो आपको चलते चलते पता चलेगा, चलिए हमारे साथ। तो ये एक शॉर्ट ट्रैवल वाला होने वाला है ये ट्रिप, और ज़्यादा कुछ नहीं होगा इसमें। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि लॉन्ग डे हम कहीं पर स्टे करने वाले हैं, उसका प्लान आगे है, लेकिन ये कुछ छोटा सा है और सरप्राइज है जो आपको आगे आगे पता चलेगा। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। अभी बजे हैं सुबह के 6 और दिन निकल चुका है हल्का हल्का, क्योंकि आधी रात का ट्रैवल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉर्निंग मेरे साइड से, क्योंकि अभी मैं फ्रेम में आई और बहुत टाइम के बाद। आप लोगों को तो पता चल रहा है होगा कि आप बहुत टाइम के बाद हम ट्रैवल कर रहे हैं, एंड एक्चुअली हम बहुत टाइम के बाद ही ट्रैवल कर रहे हैं। पाँच महीने के बाद हम लास्ट गए थे गोवा, एंड देन न्यू ईयर का एक कैंपिंग के लिए गए थे 31 दिसंबर। इस साल का टेक्निकली फर्स्ट होगा देन, राइट? क्योंकि 1 जनवरी में हम रिटर्न हो रहे थे, हम 31 के लिए कैंपिंग गए थे, तो इस साल का ये फर्स्ट ट्रिप है। तो सोचो कितना हम बिजी है काम को लेके। मैं इतना बिजी नहीं हूँ, मैं टाइम पुल कर सकती हूँ, बट सुमित इज लाइक उसके पास ब्रीथ करने के लिए भी टाइम नहीं होता है। तो इन बिटवीन आप जो देखते हो घर में ये वो थोड़ा थोड़ा हम टाइम पुल कर रहे हैं, क्योंकि चलो एक कंटिन्यूटी रहेगा, कनेक्टेड फील करेंगे करके। तो फाइनली सुमित टाइम पुल किया है, इस वीकेंड हमें थोड़ा टाइम मिला, एंड थैंक्स टू सुमित अगेन जो ये प्लान पहले नहीं कर पाया, क्योंकि लास्ट मोमेंट तक वो हाँ जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, जा सकते हैं, इस चक्कर में हमें कहीं पे भी बुकिंग नहीं मिला। तो हम सैटरडे कहीं जा नहीं पाए, क्योंकि हर जगह पे सैटरडे बुकिंग है, दोनों दिन बुक। तो कहीं कहीं पे तो है कि संडे, हाँ करेक्ट, सैटरडे संडे दोनों बुकिंग थे, एक या दो जगह पे। पहली बार ऐसा हुआ कि वीकेंड, नॉर्मल वीकेंड, सैटरडे संडे दोनों दिन बुक है। तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग फील हुआ, क्योंकि हमें जाने का था बट कुछ कहीं पे बुकिंग नहीं मिला। फाइनली संडे को था, सैटरडे वहाँ पे भी नहीं है, तो हमने कहा चलो यार सैटरडे हो संडे हो एक दिन के लिए भी, पर चलते हैं, निकलते हैं, क्योंकि सुमित डेस्परेटली नीड्स ए ब्रेक। तो हम जाएंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे, आराम से खाएंगे पिएंगे, क्या सुमित वही है ना प्लान? यस। तो बहुत दिनों के बाद जा रहे हैं, तो ज्यादा टायर्ड वाला ऐसा कुछ घुमा घूमी नहीं है, वहाँ पर जाएंगे रिलैक्स ही करना है मोस्टली। तो प्लान वही है, खाएंगे पिएंगे रेस्ट करेंगे और सुमित को रिसेट होने के लिए थोड़ा टाइम देंगे, उसके बाद कुछ लंबा ट्रिप प्लान करेंगे, एक छोटा सा ट्रिप है। तो चलिए अभी हम हैं नाइस रोड पे, ब्रेकफास्ट हुआ नहीं है, सुमित का सुबह का कॉफ़ी हो गया है एज यूजुअल, बिना कॉफ़ी के वो घर से बाहर जाएगा ही नहीं, तो वो अपना कॉफ़ी पी लिया है। और मैं आज खाऊंगी मसाला डोसा, वो फिक्स है मेरा, ट्रिप पे हो तो मसाला डोसा। तो मतलब नेक्स्ट जहाँ पे भी हम रुकेंगे, आई थिंक अभी टाइम हो रहा है 6:22, तो नेक्स्ट ब्रेकफास्ट 8:00 को करेंगे। हाँ, मोस्टली उससे पहले भी अगर अच्छी जगह मिल जाए तो हम रुक जाएंगे, नो प्रॉब्लम। और आज कोई भागा दौड़ी नहीं, स्लो में जाएंगे, इसीलिए हम कुछ जल्दी भी नहीं निकले, क्योंकि ये पूरा रिलैक्सिंग वाला करेंगे करके। तो हम आराम से 6 बजे निकले हैं, नाइस रोड पे अभी है, स्लोली सुमित ड्राइव कर रहा है, क्योंकि सुमित का ना प्रैक्टिस छूट गया है, तो बड़ा स्लो जा रहे हैं हम। तो मिलते हैं आपको ब्रेकफास्ट पे। तो अभी हमने हासन के लिए लेफ्ट टर्न ले लिया फ्रॉम नाइस रोड, और यहाँ से 220 किलोमीटर है हमारा जो रिजॉर्ट हमने जो बुक किया है। मौसम सुहाना है, धूप है, लेकिन उतना हार्श अभी तक लग नहीं रहा है। और अभी देखिए यहाँ पर और 3 hours 45 minutes दिखा रहा है टू आर रिजॉर्ट। अभी कहीं रुकेंगे इस रास्ते में, क्योंकि टाइम है, अभी सिर्फ 7:30 बजे हैं,
ब्रेकफास्ट करेंगे, आराम से धीरे धीरे जाएंगे, क्योंकि चेक इन एनी वे 12:30 को है। मैं कितना भी स्लो चलाऊँ पहुँच ही जाऊँगा। तो अभी वैसे ही है, और बहुत सारे गाड़ियाँ चल रही हैं। जैसे मैंने बताया था कि इस वीकेंड को ना दोनों सैटरडे एंड संडे दोनों दिन फुल बुकिंग है, तो गाड़ियाँ बहुत भर भर के जा रही है। दो दोस्तों ब्रेकफास्ट के लिए हमने ब्रेक ले लिया यहाँ पर है, रास्ते में एक है होटल उडुपी वृंदावन प्योर वेज। होटल उडुपी वृंदावन प्योर वेज, हम एक्चुअली जाने वाले थे कहाँ पे, ध्रुव तारा, ऊपर ध्रुव तारा दिखा नहीं, लेकिन वो हमेशा मिस हो जाता है। हमारा वो एक्चुअली है, वो होटल अच्छा रहता है करके, लेकिन एक दो बार खाए तो उसके बाद मिलता नहीं है। बट अभी क्या कि जल्दी कर लेंगे ब्रेकफास्ट, ताकि लंच के लिए भी भूख बन जाए और टाइम हो। तो अभी चलिए, लग भी गई है, लग भी गई है, बहुत टाइम के बाद सुबह सुबह निकले हैं ना, तो भूख लगी है। तो चलो चलिए अभी ब्रेकफास्ट करते हैं। सॉरी मेरा लंच निकल रहा है। सुमित पूरा भूखा है, सीधा लंच ही खाएगा, मैं तो ब्रेकफास्ट खाने जा रही हूँ। मेरा इडली पहले आ गया, क्योंकि इडली रेडीमेड रहता है और इजी भी रहता है। मैं चटनी भर भर के खाऊंगा आज। मैं और 3-4 बार चटनी मांगूंगा। चलिए दोस्तों, ब्रेकफास्ट हो चुका, इडली और डोसा अच्छा था। मैं ये नहीं बोलूँगा वाव था, अच्छा था। टोटल मैंने 3 इडली खाया, रश्मिता ने 1 मसाला डोसा खाया, टोटल 140 रुपीज़ हुआ। और अभी यहाँ पे चाय कॉफ़ी मैं नहीं पी रहा हूँ, क्योंकि अभी पेट भर चुका है चटनी खा के, तो मैं रास्ते में रुक के फिर से कॉफ़ी पीऊँगा। तो अभी चले यहाँ से निकलते, और एग्जैक्टली 200 किलोमीटर है। और चलिए दोस्तों, अभी मैं रुका था यहाँ पर टोल गेट के पास, यहाँ पर कॉफ़ी पीने के लिए। ये रहा मेरा कॉफ़ी, और टोल गेट के बाद रुक के कॉफ़ी पीने में मज़ा आता है बहुत। चीयर्स। गरम गरम अच्छी है ना। एक्चुअली मैं अंदर आता हूँ। और 150 किलोमीटर बाकी है हमारे रिजॉर्ट तक, 3 घंटा लगभग दिखा रहा है। अभी हम पहुंच गए हासन सिटी, क्रॉस चुके हैं। हाँ, वो एग्जैक्टली नहीं पता मुझे, और पता नहीं बहुत नींद आ रही है मुझे अभी, इतना नींद। इतने दिनों के बाद ये ट्रैवल की है ना, इसलिए इसको बहुत नींद आ रही है। पूरा यॉन कर रही थी और लगा कि सो ही जाऊंगी। तो मैंने सोचा चलो सोडा है यहाँ पर गोली वाला, वो पीते हैं अच्छा लगेगा। उसको हम उड़िया में बाटी सोडा बोलते हैं, बहुत टेस्टी रहता है। चलो, और नींद भगाते हैं थोड़ा, लोग चाय पी के नींद भगाते हैं, हम बाटी सोडा पी के नींद भगाएंगे, और उसके बाद जर्नी कंटिन्यू करेंगे, वरना मैं सोई जाऊंगी और सुमित के साथ बात करने के लिए कोई होगा नहीं। चलो चलते हैं। वन सॉल्ट वन स्वीट, आधे हाके। हाँ आधे हाके। फर्स्ट सॉल्ट हाके, आदमेले स्वीट हाके। रश्मिता पिएगी अभी। हाँ कैसा है? मस्त है, सॉल्ट है। हाँ इसमें थोड़ा
क्या है, ग्रीन चिल्ली का पेस्ट भी। हाँ करेक्ट, मस्त है। पियो पियो। ये सोडा नहीं, सोडा शॉट है। आने ना आते। क्या खतरनाक वो सोडा था, वो एक छोटे से मसाला एक सोडे पे डालते हैं। ओ ये फर्स्ट टाइम मैं पी थी, पूरा नींद उड़ गई। मैं ली सॉल्ट वाला, सुमित ने स्वीट वाला लिया था। तो स्वीट में सिर्फ वो जूस और स्वीट थोड़ा सा, सॉल्ट थोड़ा सा, और सॉल्ट में वो थोड़ा चिल्ली पाउडर, पाउडर नहीं पेस्ट डालते हैं। तो अभी पूरा मुँह जल रहा है यहाँ पे, पर अमेजिंग था, बहुत अच्छा लगा, रिफ्रेशिंग सा। अभी धूप तो हो चुकी है, अभी हो चुका है 10:40, तो धूप भी थोड़ी चढ़ गई है। और ये ब्रेक ज़रूरी था, पता नहीं सुमित फिर से गाड़ी रोक दिया। नहीं, मैप स्टार्ट करूँगा। ओके, सुमित मैप स्टार्ट करेगा इसीलिए। बट टेस्ट बहुत अच्छा था, अगर कहीं पे मिलता है या इस रूट पे हो या कहीं पे मिल रहा है तो डू ट्राई इट, टेस्टी है। चलो जर्नी कंटिन्यू करते हैं। पहुंच गए चिकमंगलूर, ये उसका फर्स्ट चेक पोस्ट है। तो चेक पोस्ट में आई थिंक पहले तो 20 या 30 रुपए लेते थे, अभी बहुत टाइम के बाद आ रहे हैं तो पता चलेगा अभी प्राइस बढ़ा है या नहीं। तो पहुंच के बताते हैं आपको। और ये है चेक पोस्ट का लाइन, और प्राइस में कोई चेंजेस नहीं, अभी भी 20 रुपए ही ले रहे हैं। और ये टिकट जो है 6 to 6, तो 6 AM to 6 PM आराम से आप घूम सकते हो। चेक पोस्ट से हमारा रिजॉर्ट 800 मीटर पे है, नहीं रिजॉर्ट जाने, सॉरी होम स्टे जाने का रास्ता। ये थोड़ा डरावना दिखता है, हाँ देखिए हिल डिसेंट एक्टिवेटेड है तो गाड़ी कंट्रोल हो जाती है, वरना जितना पूरा इंक्लाइंड है टेंशन हो जाएगा। और ये पूरा कॉफ़ी प्लांटेशन चारों ओर, और ये रहे सुमित बाबू। होपफुली सेकंड हाफ में थोड़ा धूप घट जाएगा तो अच्छा लगेगा। अभी तो सुमित पूरा धक्का दे दे के लेके जा रहा है मुझे। तो अभी आप देख रहे हो हम बैठे हैं एक रेस्टोरेंट में, और इन बिटवीन लास्ट 10-15 मिनट या आधे घंटे में बहुत बड़ा ट्रेजेडी और बहुत गंदा सा एक्सपीरियंस हुआ है विथ रेस्पेक्ट टू रिजॉर्ट, सॉरी होम स्टे। वो डिटेल हम आपको एक नेक्स्ट हम जहाँ पे अभी बुक किए हैं, जो भी हुआ है जहाँ पे एक बार पहुँच के सेटल हो जाए उसके बाद आपको डिटेल बताते हैं। अभी हम आ गए हैं होटल अद्रिका, इसके अंदर है जियोस्तो कैफ़े, यहाँ पे बैठे हैं। पहले लंच करते हैं, आराम से कुछ खा लेते हैं, दिमाग को थोड़ा शांत करते हैं, उसके बाद का प्लान आपको डिटेल बताते हैं। स्टार्ट करेंगे लंच सैलेड के साथ, और ये कॉम्प्लीमेंट्री दिए हैं फ्राइम्स। और ये है आज का लंच का बिल। फुलका हमने ऑर्डर किया था 3 पीस का 3 बार 300, अंडा करी 300, फिश 65 स्टार्टर 480, सलाद 80, और एक पानी का बोतल 50। फाइनली हम लोग सेटल हो गए, लंच करके आ गए, और अभी आपको सुनाते हैं आज का डिज़ास्टर क्या क्या हुआ है। और डिज़ास्टर ये है कि हम अराउंड 12
20 को पहुँचे होम स्टे में। अभी हम होम स्टे का नाम नहीं लेते हैं क्योंकि अननेसेसरी क्यों किसी के बारे में कुछ बोलना है। 12:30 को पहुँचे और पहुँचने के टाइम ओके उससे पहले होम स्टे का पर पर्सन का कॉस्ट 3000 था, तो इन टोटल 6000 विच इंक्लूड फूड। और कल लेट नाइट को वो हमें फ़ोन करके बोले कि लंच अरेंज नहीं हो पाएगा क्योंकि उनका कुछ एक्सवाइजेड प्रॉब्लम है। तो हमने कहा चलो ठीक है, क्या इट्स ओके, लेट नाइट भी हो गया था और कुछ ऑप्शन भी नहीं था, तो हमने कहा ओके लंच। वो उन्होंने कहा बाहर लंच करके आ जाओ, लंच अरेंज नहीं कर पाएंगे। और पर हेड वो 200 कम करें? हाँ, पर हेड वो 200 डिडक्ट कर लेंगे। दो हमें वो जस्टिफाइड नहीं लगा, फिर भी हमने कहा ठीक है चलो नॉट ए प्रॉब्लम। और हम आके पहुँचे 12:20 को, चेक इन टाइम वो बोले थे 12:30। इट्स ओके, हम 10 मिनट्स बिफोर थे, बहुत ज़्यादा भी ऐसे नहीं कि जल्दी आ गए थे घर के। और पहुँचते ही एक तो ओनर जो है वो नहीं थे, विच इज़ ऑल्सो फाइन। केयर टेकर को कुछ आइडिया नहीं है कि कौन गेस्ट आने वाला है, क्या है। वो बोल रहे हैं कौन हो आप, हमने कहा बुकिंग है, तो बोल रहे ओके रुको मैं फ़ोन करके कंफर्म करता हूँ। वो 10 मिनट बात कर रहा था, तो वहीं पर ही 12:30 हो गया। 10 मिनट नहीं, 5-7 मिनट वो बात किया। उसके बाद वो हमें बोल रहा है कि ठीक है रूम ठीक क्लीन करके रेडी करने के लिए 10, 20, 40, 45 मिनट्स लगेगा। मतलब वो स्टार्ट किया 10 मिनट एंड हो गया 45 मिनट। सुमित को आता है, ही कैन स्पीक एंड टॉक राइट, तो उसको समझ में आया वो लोग जो बात कर रहे थे ओनर और केयर टेकर। केयर टेकर ओनर को बोल रहा है कि रूम रेडी नहीं है, 40 मिनट्स लगेगा। और वो हमें बोला कि 10-15 मिनट में 20 मिनट में हो जाएगा, मैक्सिमम 40 to 45 मिनट, बट 40-45 मिनट लगेगा, आप जाके लंच करके आ जाओ। 12:30 कहाँ जाएंगे लंच करने के लिए, तब तक भी ठीक था। उस टाइम पे हम ओनर को बोले ये क्या है, आप इतना अगर पर्टिकुलर हो के चेकआउट टाइम 10:30, वो बार बार हमें बोले थे चेकआउट टाइम 10:30। अगर चेकआउट टाइम 10:30 है तो आप 10:30 से 12:30 क्या कर रहे हो, रूम क्यों रेडी नहीं किए हो, जो अगर करंट गेस्ट थे भी। तो उसके बाद मैं इतना ही पूछी और वो लोग मतलब वो ओनर जो है फ़ोन पे चिल्ला रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हाँ। और एक था कि मेरा ये था कि एक घंटा लगेगा, एक घंटा में कहाँ पर रुकेंगे, बाहर खड़े रहेंगे क्या, गर्मी हो रही है, धूप हो रही है। तो बोले यू गैज आर नॉट कोऑपरेटिव एट ऑल, यू डोंट नो हाउ टू टॉक। एंड आई वॉज लाइक ओके नाउ वॉट इज कोऑपरेशन मीन्स, यू सेड यू कॉन्ट प्रोवाइड लंच, वी सेड येस, नाउ यू आर सेइंग यू कॉन्ट प्रोवाइड द रूम ऑल्सो ऑन टाइम, देन वॉट्स द कोऑपरेशन। एंड इनका सेकेंड लाइन यही था कि ठीक है मैं रिफंड कर देता हूँ। एंड आई वॉज लाइक सीरियसली मैन, ऐसा कैसे कोई बात कर सकता है। और हम दोनों बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे, मतलब एक तो गलती आपकी है, कोई भी रूम में जाते हो, होटल हो गया कुछ भी, तो कोई ये नहीं बोलता है कि आप पेमेंट ले लो, उसके बाद आप एडवांस ले लिए, सब कर लिए, इसके बाद बोल रहे हो कि हम लंच नहीं दे पाएंगे। और आप कब बोल रहे हो, रात को बोल रहे हो, तो ओबियसली कोई तो चेंज नहीं करेगा। ऐसे नहीं कहा चलो ठीक है रूम छोड़ दो हम कोई और देख लेंगे, वैसे तो कोई नहीं करेगा, वही कोऑपरेशन होता है राइट। आपने कहा लंच नहीं होगा, हमने कहा ठीक है बाहर कर लेंगे। अभी 12:30 हो चुका है, आप बोल रहे हो 45 मिनट्स, देते देते एक घंटा, मतलब 1:30, तो हम एक रात के लिए गए हैं और हमारा मूड ये था कि हम रेस्ट लेंगे वहाँ आज, तो मतलब रिलैक्स करेंगे। तो वहाँ पे पूरा मूड ऑफ हो गया। और उनका जैसे रिस्पॉन्स था कि ओके इतना अगर आप कोऑपरेशन नहीं कर पा रहे हो तो आई विल रिफंड, तो हमने कहा कि ठीक है आप रिफंड ही कर दो, इट्स ओके। तो हमने रिफंड किया, तब तो पूरा दिमाग ख़राब था। गुड दैट सुमित ने कहा कि चलो कहीं पे एक अच्छा सा मतलब वही जगह सिलेक्ट, क्योंकि यहाँ पे तो हमने देखे ही नहीं थे कि कहाँ पे लंच करेंगे क्या करेंगे। सो ही फाउंड ए गुड रेस्टोरेंट, जहाँ पे गए अच्छा खाना खाए, थोड़ा काम डाउन हुए, वहाँ पे ही बैठ के सर्च किए। एंड ज़्यादा तो कुछ खास मिला नहीं, जैसे हम पहले भी देखे थे ज़्यादा कुछ ऑप्शन था नहीं। तो अभी एक काम चलाओ टाइप का ही होम स्टे है, बट यहाँ पे अगेन फूड नहीं है, बट इफ़ यू ऑर्डर डिलीवर वैसे वाला है। तो हम तो लंच करके आ गए हैं, इट्स ओके, एक रात डिनर का ही है, और हमारा वैसे भी कहीं पे घूमने का तो प्लान नहीं था, रिलैक्स होने का था। तो हमारा ये ट्रिप स्टार्ट होते ही पचका हो गया। और ऐसे गंदे वाले एक्सपीरियंस भी होता है, अगर आप हॉस्पिटलिटी बिजनेस में हो और आप बेसिक हॉस्पिटलिटी नहीं दे पाते हो तो और क्या बोले। ऐसे नहीं कि 1000 रुपये का या 2000 रुपये का रूम है, यू आर चार्जिंग 6000 विच इज़ लाइक ए डिसेंट रूम। हम नहीं बोले कि 10-15 हज़ार का है, 6000 इज़ ऑल्सो ए डिसेंट अमाउंट, बट हाँ। तो ये था हमारा एक्सपीरियंस, सुमित पूरा थक गया है। नहीं थका नहीं हो, बट एक मतलब एक रात के लिए आते हो और इतना केओस हो जाता है तो थोड़ा मूड ऑफ हो जाता है इसीलिए। बट एनीवेज फाइनली लंच हो गया और यहाँ पर एक
जो जगह मिला आप देख ही रहोगे, पीछे एक लेक है, एक स्विमिंग पूल है और बालकनी में हम बैठे, अच्छा लग रहा, शांत है, दैट्स व्हाट आई वांट। तो चलिए आपको एक क्विक रूम टूर दे देते हैं। ये है रूम, ये बेसिक सा दो बेड, यहाँ पे कबर्ड, टीवी, अंदर से वॉशरूम, डिसेंट सा स्पेस, और ये है बालकनी, यहाँ पे अभी सुमित बैठा है और पीछे लेक है एंड दे हैव ए स्विमिंग पूल बिलो हियर और ये उनका गार्डन एरिया है। इसका कॉस्ट भी बता दो। हाँ, इसका कॉस्ट है 3,000 rupees, नो फूड। और ये जो रूम है ये एक्चुअली फोर शेयरिंग है, यहाँ पर दो बड़े बड़े बेड हैं तो इसलिए इसका कॉस्ट 3,000 है, विच इंक्लूड्स नो फूड, कैंप फायर होगा इवनिंग को, बस उतना ही, आपको खाना बाहर से मंगाना पड़ेगा या जाके खाना पड़ेगा। और एक रूम है टू शेयरिंग वाला, वहाँ पर आप कपल वाले रह सकते हो और वो उसका कॉस्ट है 2,200, उसमें भी खाना इंक्लूडेड नहीं है, कैंप फायर है बस। तो यही है, हमें अच्छा लगा क्योंकि लेक फेसिंग है और जो टू शेयरिंग है उसमें बालकनी नहीं है, इसीलिए हमने बोला कि हम 3,000 पे करेंगे, जो बालकनी वाला है इट्स फाइन, क्योंकि यहाँ पर बैठ सकते हैं थोड़ा सुकून से। तो दोस्तों फाइनली बज चुके हैं 4:15 और मेरे पीछे देखिए एकदम झमाझम बारिश हो रही है और ऊपर पहाड़ अगर आपको दिख रहा होगा तो पहाड़ पूरा भर चुका है बादल से और अमेजिंग फीलिंग आ रहा है यहाँ पर अभी। मतलब सुबह थोड़ा मूड ऑफ हो गया था लेकिन यहाँ पर बैठने के बाद सारा मूड ठीक हो चुका है। वेस्टर्न घाट ऑसम, मस्त लग रहा है यहाँ पे। और अभी आ चुका है हमारा कॉफ़ी, ये रहा, रश्मिता को भी आज कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है। नहीं, सुमित ने दो कप मंगाया, देखो अच्छा है क्या, क्योंकि इतना बड़ा सा कप कैसे पिएगा कोई। नहीं नहीं, वो भी कभी कभी पीती है तो उसने भी कहा कि हाँ आज बारिश हो रही है तो चलो कॉफ़ी पीते हैं। थोड़ा ट्राई कर लो, कुछ नहीं होगा। बारिश हो रही है, मैं बारिश एंजॉय करती हूँ। तुम वैसे भी दो सिप है, थोड़ा फटाक से खत्म हो जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है। और बाहर ज्यादा मतलब फिर से खराब। हाँ अभी बाहर वैसे ही उसका मॉइस्चर से चक्कर में डीजे खराब हुआ था, अभी बारिश हो रही है इसलिए डर डर के यूज कर रहा हूँ। तो चलो अभी फिलहाल कॉफी पीते हैं। अच्छा फिल्टर कॉफी है। मेरे एक लेफ्ट हैंड और एक राइट हैंड, यहाँ से थोड़ा वहाँ से थोड़ा, यहाँ से थोड़ा, यहाँ से थोड़ा। वाह क्या बारिश, पूल में देखो मस्त दिख रहा है। अभी बज चुके हैं 7:30 इन द इवनिंग और हमने कुछ खाना मंगाया है, मतलब ज़्यादा हैवी नहीं क्योंकि लंच आज ठीक ठाक था तो इसलिए हमने थोड़ा सा स्नैक्स टाइप का ही खाना बनाया है और यहाँ पर कैंप फायर लगाएंगे नीचे, तो अभी हम नीचे जाने वाले हैं। ये देखिए खाना मैंने जो मंगाया था, और ये है गोभी मंचूरियन और ये है चिकन पकौड़ा, और फाइनली हमने बोला था उनको कि थोड़ा सॉल्ट कम रखो तो सॉल्ट अच्छा है और अश्मिता ने भी अप्रूव किया है उसको, राइट। गोभी मंचूरियन आधा खा चुका हूँ और मैं थोड़ा छोटा सा नैप भी ले, नैप भी ले गई थी तो पूरा अभी फुल एनर्जी के साथ बैठेंगे कैंप साइट बोल रही हूँ, कैंप फायर पे। कैंप फायर के पास और इवनिंग का जो नेक्स्ट 2-3 आवर्स से आराम से सुकून से एंजॉय करेंगे। करेक्ट, चलिए चलते हैं, अभी चलिए कैंप फायर पे चलते, इसको लेके जाएंगे। लग रहा है यहाँ पे अभी हल्की हल्की सी ठंड ही है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, गर्मी नहीं है, कैंप फायर के बाजू में बहुत अच्छा लग रहा है। और मेन चीज़ है कि
मैं तो अपना मैं बोल रही हूँ, वो अलग साइड पर रखिए। सुमित का 5 महीने का फ्रस्ट्रेशन जो है उसको देख देख के मेरा जो फ्रस्ट्रेशन है अभी यहाँ पे रिलैक्स होने से अच्छा लग रहा है। और बहुत अच्छा वो लोग जलाए हैं, मत सब ब्लू वाला फ्लेम, और वो क्या है लकड़ियाँ भी सूखी हुई है तो मस्त से कैंप फायर जल रहा है। बहुत टाइम वो धुआं वुआ नहीं हो रहा है तो वो सफोकेशन फील नहीं हो रहा है तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे बैठने के लिए। सो नाइस नाइस। चलिए दोस्तों, हम कैंप फायर तो ख़त्म हो गया, हमारा खाना भी ख़त्म हो गया और एन्जॉयमेंट किया आज। दिन का जितना भी था भड़ास था और काम का जितना भी था प्रेशर, वो सब डिस्कस किया कैंप फायर के पास बैठ के। अच्छा लगा और ठंडी ठंडी हवा भी बह रही थी और दिन जितना गंदे से स्टार्ट हुआ था उतने अच्छे से एंड भी हो गया। तो चलो, इतना कभी भी ऐसे सिचुएशन होता है तो ज़्यादा क्रिप मत करो, जस्ट गो विद द फ्लो, एट द एंड सब कुछ ठीक हो ही जाता है। तो वैसे ही आज का दिन ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे हम लोग हो गए, थक गए हैं, अभी जाएंगे सीधा बेड पे। करेक्ट। तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, जो भी हमारे एक्सपीरियंस है, ज़्यादा हम कहीं नहीं घूमे हैं, ये एक लेजी सा एक मतलब रिलैक्सिंग वाला ट्रिप था जैसे हमने बताए थे। अगर आपको ये सब पसंद आया है देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग में नई जगह पे। एंड टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड बाय बाय।